प्लीज हैव अ सीट, बैठ। लव यू टू जी, लव यू टू। कितने लोग आप में से मानते हैं कि आपको और मेरा दिल का एक कनेक्शन है? सारे मानते हैं। आज से पहले हम कभी मिले नहीं है। क्या हो मैं अगर आप लोगों को कहूं कि आज तक मैंने जितने भी सेशंस करे हैं, ये जो आज का सेशन होने वाला है, उन सबसे बिल्कुल अलग है। कुछ ऐसा होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। मजा आएगा। पिछले कुछ समय से मैं माइंड रीडिंग को स्टडी कर रहा हूं, जिसको मेंटलिज्म भी बोलते हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो कितना सही है कितना नहीं है। तो आज पहली बार मैं प्रैक्टिकली एक स्टेज के ऊपर आप सबके सामने कुछ परफॉर्म करने वाला हूं। मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, तो हो सकता है वो जो मैं एक्सपेरिमेंट यहां पर करने वाला हूं वो सक्सेसफुल हो सकता है फेल हो जाए। फेल हो गया तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक लेसन है सबके लिए। क्योंकि मैं अपने सेशन में यही बोलता हूं ना कि एक बार फेल हो गए तो दोबारा ट्राई करो, दो बार फेल हो गए तो एक बार और ट्राई करो, करते रहो जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाते। फेलियर से हम इतना क्यों डरते हैं? बड़े से बड़ा क्रिकेटर भी जीरो पे आउट होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो एक्ट है, यहां से पता लगेगा कि एक्चुअल में आप में से कौन लोग हैं जिनका की कनेक्शन मेरे साथ में बहुत ही स्ट्रांग है, जिनका होगा उनकी और मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो अलाइन हो जाएगी। हो सकता है आप में से दो चार लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है पांच के साथ में हो सकता है दस के साथ में हो। तो अगर ऐसा आपके साथ में होता है, यानी जो मैं बोलता हूं इस एक्ट के एंड में, आप कहते हो कि हाँ मैं यही सोच रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्ट काम कर गया। आप लोग अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। अब हम एक इमेजिनेशन वाले मोड में जा रहे हैं। सबसे पहले एक नंबर सोचिए, कोई भी नंबर हो सकता है, वो दो से दस के बीच में, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। इस नंबर को नाइन से मल्टीप्लाई करिए, जो भी नंबर आपके माइंड में आया है उसको। अब आपके माइंड में एक दो डिजिट का नंबर आ गया होगा, उन दोनों डिजिट्स को आपस में प्लस कर दीजिए। अब उसमें से कोई एक नंबर माइनस कर दीजिए, दैट कुड बी फोर फाइव सिक्स वॉट एवर, चलो पांच पकड़ लेते हैं, फाइव माइनस कर दो आप। तो अब एक नंबर आपके माइंड में आ गया होगा, उसको माइनस करने के बाद में, उसको हम रिमाइंडर बोल सकते हैं। अब वो जो नंबर है, जैसे अल्फाबेट्स होते हैं ए टू जेड, तो उसमें देखिए कि वो जो नंबर है वो किस पोजीशन पर है। मानिए अगर एक नंबर आपके माइंड में आया है तो अल्फाबेट हो गया ए, दो आया है तो बी, ठीक है, सबका हो गया, थम्स अप कर दो। इस अल्फाबेट से आप किसी भी कंट्री का नाम सोच सकते हो, जैसे कॉन्टिनेंट क्या है, एशिया, सिटी है अबू धाबी और कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। तो कंट्री का नाम सोचना है, सिटी का नाम नहीं सोचना है। अब ये जो कंट्री है इसका जो पहला अल्फाबेट है, मान लीजिए अगर वो बी है तो उसका अगला अल्फाबेट क्या होता है, सी। उसके अगले अल्फाबेट से आप किसी एनिमल का नाम सोचिए, बर्ड का नहीं सोचना है, एनिमल का सोचना है। उसकी पूरी इमेज को देखिए जैसे कि आप उसको ड्रॉ कर रहे हैं अपने माइंड में। अब उसके अंदर कलर भरिए। अब यहां पर हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, फॉर एग्जांपल अगर पीकॉक आया है आप लोगों के माइंड में तो ब्लू कलर भी आ रहा है, ग्रीन कलर भी आ रहा है, तो आप बोल सकते हो ब्लूइश ग्रीन। जब सबका हो जाए तो थम्स अप कर देना। आप लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। मैंने आप लोगों से कुछ भी नहीं पूछा है, लेकिन मैंने कुछ सोचा है और कोशिश करी है कि मैं आपकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकूं, यानी कि मेरी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग कनेक्ट हो जाए, आपस में अलाइन हो जाए। अब मैं बताता हूं आप लोग क्या सोच रहे हो। आप सोच रहे थे एक बड़े से ग्रेइश ब्लैक कलर के एलिफेंट के बारे में जो डेनमार्क, अरे पूरा तो होने दो, रुको 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 रुको, पूरा तो होने दो, जो डेनमार्क में है। अब कुछ मैं ऐसा अटेम्प्ट करने वाला हूं जो बहुत ही डिफिकल्ट है, थोड़ा एडवांस्ड है मेंटलिज्म के अंदर, क्योंकि इसमें मुझे आप में से किसी एक के माइंड के अंदर घुस करके उसके मोबाइल का पासवर्ड पता लगाना होगा। वॉलंटियर ऐसा होना चाहिए जिसके पास में अभी अपना मोबाइल फोन हो, ठीक है, पिन कोड से मोबाइल फोन ओपन होना चाहिए और वो पिन कोड चार डिजिट का होना चाहिए। अब हाथ ऊपर करो, कितने हैं, ठीक है, ये लोग सब खड़े हो जाओ। और आप लोग यहां पर आना चाहते हो, ठीक है, एक तरीका है कि मैं चूज करूं, बट वहां पर पार्शियलिटी हो सकती है, हो सकता है वो बंदा पहले से मैंने डिसाइड किया हो,
वो मेरा ही बंदा हो जो ऑडियंस में मैंने बिठा रखा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। एवरीथिंग इज पॉसिबल, दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। तो उस पॉसिबिलिटी को रूल आउट करने के लिए इसको पूरी तरह से लक के ऊपर छोड़ देते हैं, किस्मत के ऊपर छोड़ देते हैं। मैं क्या करूंगा, पेपर से एक एरोप्लेन बनाऊंगा, सिंपल पेपर है, और उसको आंख बंद करके ऐसे उछाल दूंगा, एरोप्लेन बन गया, बीच में आके फेंकूं, ठीक है, डन, रेडी, 1 2 3 गो। लेट्स गिव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। आ जाओ। आपका क्या नाम है, एक बार माइक दो इनको। हाँ। सर शशांक पांडे। शशांक पांडे, हाँ जी सर। आज हम पहली बार मिल रहे हैं, आज से पहले हम कभी नहीं मिले। नहीं सर। आप पहली बार मेरा लाइव सेशन अटेंड, हाँ कर रहे हो। सर। तो आप अपना फोन निकालेंगे, एरोप्लेन अब आप दे दो, इसका काम हो चुका है। मेरा मोबाइल भी होगा किसी के पास में, दे दो। हमारे बीच में एक बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन है। ओके। अब इसको हम प्रूव कैसे करें, ये तो पहले ही मान गए। अब इसको हम प्रूव कैसे करें, कुछ ऐसा होना चाहिए जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो। देखो, अगर हमारा 4 डिजिट का पिन कोड है तो ऑप्शंस कितने हो सकते हैं, 0 to 9। यस सर। यानी 10 ऑप्शन हो गए, टोटल 10,000 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि मेरा और इनका जो पासकोड है मोबाइल का वो सेम होगा, 1/10,000, यानी कि 0.0001% हो सकता है। तो उसको चेक करना बनता है। यस सर। तो एक बार चेक करते हैं, ठीक है सर। आप मेरे मोबाइल में अपना पासकोड एंटर करोगे, किसी को दिखाओगे नहीं, ना मुझे दिखाओगे ना किसी और को दिखाओगे, और मैं आपके में अपना पासकोड एंटर करूंगा। ओके। मैं अपना बता दूंगा ऑडियंस को, उसके बाद चेंज कर लूंगा। हाँ, मेरा है 1408। नहीं हुआ। आपका हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ। यही तो कनेक्शन है। देखो, मेरा भी नहीं हुआ, इनका भी नहीं हुआ, एंड द एक्ट इज ओवर। मजाक कर रहा हूं। देखो, मेरा मोबाइल है, हाँ जी, तो किसके पासकोड से ओपन होगा, 1408 मेरे से ओपन होगा, राइट। तो अब मैं यहां रख रहा हूं अपना मोबाइल, मैं बस आपके फेस के एक्सप्रेशन को देखूंगा, बॉडी लैंग्वेज को देखूंगा। आप अपनी आंखें बंद कर लोगे। आपने कहा था कि मेरा और आपका बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, मान लेते हैं कि ये बात सच है, मतलब कि ऑफलाइन भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और आज न्यू ईयर का दिन है, 1 जनवरी 2023। आप इमेजिन करते रहना जो जो मैं बोल रहा हूं। आपके पास में मेरा मोबाइल नंबर है, आपको मुझे विश करना है, तो कैसे करोगे? सर व्हाट्सएप करके। व्हाट्सएप करके, क्या बात है। अब आंखें बंद कर लो वापस से। व्हाट्सएप करने से पहले लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, अपने फोन को अनलॉक करना पड़ेगा। तो अब आप पहला डिजिट एंटर कर रहे हो, अब दूसरा डिजिट एंटर कर रहे हो, दूसरा वापस से एंटर कर रहे हो, तीसरा एंटर कर रहे हो, चौथा एंटर कर रहे हो, चारों डिजिट एंटर हो गए, फोन खुल गया, वापस से लॉक कर दो। 2 मिनट के लिए जाकर के अपनी सीट पर बैठ जाओ, मैं अभी आपको दोबारा से वापस बुलाता हूं। जो दूसरा डिजिट है मैं वहां पे अटका हुआ हूं, बाकी का जो पहला है, तीसरा है, चौथा है, वो मेरे माइंड में क्लियर है, दूसरा क्लियर नहीं है। तो मैं एक चांस लेता हूं, दैट मे और मे नॉट वर्क। तो मैं अपने मोबाइल का पासकोड चेंज कर रहा हूं। जो आए थे एक बार दोबारा से आ जाओ आप। आप मेरा आईफोन ले लो, अपना आईफोन मुझे दे दो। आपका पासकोड अगर मैं एक बार अभी सबको बता दूं तो बाद में आप चेंज कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक एक करके हम एंटर करेंगे। दैट मे और मे नॉट वर्क। ठीक है, मेरा फोन इनके हाथ में है, इनका फोन मेरे हाथ में है। मैं पहले एक डिजिट एंटर करूंगा, उसके बाद में आप वो डिजिट एंटर करोगे। पहला तो मैंने पकड़ लिया भाई, 2। इनको माइक दो, माइक दो। दूसरे में आई एम नॉट श्योर बट 0। सर आप डरा रहे हो। अगेन 0। यही मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि दोनों 0 एक साथ आ गए थे, एंड 2। अल्लाह। सही है सर, आप डरा रहे हो। मेरा मोबाइल चेक कर लो। थैंक यू सो मच। अरे मैं भूल जाऊंगा, मेरा पासकोड चेंज हो गया मोबाइल का। 2002 है, लेकिन अगर मैं भूल गया तो मेरा मोबाइल ही हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ।
मैं चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट वापस से चेंज कर लेता हूँ। सर जैसे ही आपने उनको, उन्होंने अपना फोन लिया हुआ था और वो स्टेज पे आए थे, जैसे वो स्टेज पे आए तो उन्होंने अपने 3 डिजिट डाल चुके थे वो ऑलरेडी फोन के अंदर। आप एक बार प्रॉपरली एक्सप्लेन करो, मेरे को समझ नहीं आया। शशांक को जैसे ही आपने स्टेज पे बुलाया हाँ, तो वो अपने फोन के साथ थे, तो उन्होंने साइड में खड़े होकर पहले ना अपनी डिजिट डालने की कोशिश करी थी फोन में। अच्छा हाँ, अपने फोन में इन्होंने डिजिट डालने की कोशिश की थी, जब तक आपने कुछ, मुझे कैसे पता? आपको नहीं पता चला? हाँ फिर आपने उसके एक्सप्रेशन से ही पकड़ा सर, जो आपने मैजिक किया, बट मैंने उसको टाइप करते हुए चेक किया था। अच्छा आपने टाइप करते हुए? मैंने ऑब्जर्व किया था क्या उसने 200। आपके पास में फोन है? यस सर। कितने डिजिट का पासकोड है उसमें? 4 डिजिट का। आ जाओ चलो भाई, क्या क्या नाम है आपका? शिव। शिव नाम है आपका? तो शिव आपने क्रैक कर लिया कि मैंने क्या किया उनके साथ में, और आपने पासकोड समझ लिया, ऑब्जर्व किया सर। हाँ आपने ऑब्जर्व किया और सारा समझ लिया। यस सर। ठीक है, यस सर। अब अपना मोबाइल निकाल लो, आप करो ऑन करो। अच्छा ये बताओ, आपका तो पासकोड नहीं पता ना किसी को? नो सर। आप कोई तीसरा तो नहीं आ जाएगा ना यहाँ पर? भाई कहीं यही चलता रहे। आप माइक दे दीजिए, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट के कुछ आपकी विस्परिंग या कुछ भी होता है ना, सटल सेंसेशंस होती हैं, तो वो माइक में कैप्चर हो या कुछ भी हो। आंखें बंद कर लीजिए। अब आप इमेजिन करिए कि मैं और आप बचपन के दोस्त हैं, हम दोनों साथ में एक बेंच पर बैठे हैं, स्कूल की बेंच पर, और सामने ब्लैक बोर्ड है, और एक सबसे खड़ूस हमारी जो टीचर है वो वहां पर है, हमको डांट रही है दोनों को। अब वहां पर वो जो खड़ूस टीचर है गुस्से में, वहां पर बोर्ड पर उन्होंने आपके जो 4 डिजिट्स है मोबाइल के वो लिख दिए हैं। मन में आप एक एक डिजिट को देखोगे और जोर से बोलोगे मन में। अब एक डस्टर लो और उन नंबर्स को देख करके मिटा रहे हो। बोर्ड क्लीन है, क्लियर है, बोर्ड पे कुछ नहीं है, ठीक है, आप आराम से जाकर के बैठ जाओ। अब मैं अपने मोबाइल का पासकोड जो कि अभी है 1408 उसको मैं चेंज कर रहा हूं। आओ ट्राई करके देख लेते हैं, आ जाओ। ये मेरा मोबाइल फोन है, मैं आपको दे रहा हूं, यूजुअली मैं किसी को देता नहीं हूं, बट आप ले सकते हो। नहीं दे नहीं रहा, मतलब परमानेंट गिफ्ट नहीं कर रहा हूं, अभी के लिए दे रहा हूं। हाँ आपने थैंक यू ही बोल दिया है। एक एक करके हम एंटर करेंगे। पहला मुझे क्लियर है, दूसरा भी क्लियर है, तीसरा भी क्लियर है, लास्ट कुछ भी हो सकता है, बट मैं एंटर करने वाला हूं, आप मेरे में भी कर दो। नहीं 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 हुआ, एक मिनट ये डिलीट करता हूं यार ये। हाँ ठीक है, 996 और लास्ट है 6। ऐसा मत करो, मेरा ओपन हो गया, एक बार चेक कर लो, एक बार लॉक करो, लॉक करो, ओपन करो, नीचे से होता है। हाँ हाँ करो, अब बताओ मैंने कैसे किया। जैसे कि आपने देखा कि सर ने सेकंड टाइम भी ओपन कर लिया, मेरे को फर्स्ट टाइम भी सर पे डाउट नहीं था, क्योंकि मैंने बोला था कि मैंने ऑब्जर्व किया है जब वो अपना टाइप कर रहे थे, तो मैंने ओनली ऑब्जर्व किया था, बट जब वो टाइप कर रहे थे सर अपने फोन को यूज कर रहे थे, सर ने उसको बिल्कुल भी नहीं ऑब्जर्व किया था, ना ही कुछ देखा था। जैसे कि अभी सर ने, मैंने यहाँ पे काफी स्मार्टली प्ले किया, क्या मैंने टाइप ही नहीं करा इस टाइम पे, और सर ने काफी स्मार्टली मेरा फोन को अनलॉक भी कर दिया है। तो सर थैंक यू जी। अरे अरे ये सब मत करो यार। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बताओ ना। हमारे पास चॉइस होती है कि मेरे को मतलब कुछ काम करना अच्छा लगता है बट वो बहुत हार्ड है, और उसकी जगह मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लगता पर वो इजी है, तो वहां पे मैं इजी काम चूज कर लेता हूँ पर उससे मेरे को कोई बेनिफिट नहीं होना, तो सर मैं उस चॉइस को कैसे कन्वर्ट करूं? आसान और मुश्किल क्या होता है? क्योंकि कोई काम ऐसा भी हो सकता है जो मेरे लिए मुश्किल हो आपके लिए आसान हो। यस सर। ऐसा होता है? नहीं होता है। yes, सेशंस की बात करते हैं, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, इतने सारे लोगों के सामने बोल रहा हूँ, ये आपके लिए आसान है मुश्किल है? मुश्किल है बहुत। तो ये आसान और मुश्किल होता क्या है? इट्स ऑल अबाउट एक्वायरिंग द राइट काइंड ऑफ स्किल्स, नॉलेज, माइंडसेट। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने अभी लाइव एग्जाम्पल, अभी आपने देखा इस सेशन से जस्ट पहले, देखा नहीं देखा? मैंने यहां पर आ करके
मेंटलिज्म का एक एक्ट परफॉर्म किया। पहले मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, ये जो मेंटलिज्म का एक्ट मैंने परफॉर्म किया ये कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, ये एक साइंस है, आर्ट है, जो कोई भी कर सकता है, कोई भी सीख सकता है। ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, एक पर्टिकुलर एज के बाद में जाकर के अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। जैसे मेरी एज आज की डेट में 42 है, तो इस एज में लोग बोलते हैं अब मेरी सीखने की उम्र नहीं है, सिखाने की उम्र है। तो पहले तो ये माइंडसेट होना चाहिए कि आप हमेशा लाइफ में कुछ भी एज हो जाए आपकी, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 150 साल, 500 साल, 1000 साल, व्हाटएवर योर एज इज, अगर वहां तक पहुंचते हो तो अगर आप 1000 साल के भी हो गए तो माइंड में क्या होना चाहिए कि मुझे सीखना है, कुछ सीखते रहना है। ध्यान से सुनना, अब ये बिल्कुल एंड पार्ट आ गया इस पूरे क्वेश्चन का, ये जो मैं आंसर दे रहा हूं आपको, अब ये कंक्लूजन है। इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नॉलेज, स्किल, प्रैक्टिस या माइंडसेट? कितने बोलते हैं माइंडसेट, हाथ ऊपर करो। इन लोगों के लिए जोरदार तालियां। सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट, सारा खेल ही माइंडसेट से शुरू हो रहा है। तभी तो मैंने बिल्कुल जड़ को जाकर के अटैक किया है अपने सेशंस में, अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया है तो। जड़ क्या है, अभी आपने क्या बोला, मुश्किल है, मुश्किल है, यही तो जड़ है इम्पॉसिबल की। अगर मैं पहले ही ये एक्ट किसी को करते हुए देखता और मैं बोल देता हूं ये तो बहुत मुश्किल है, तो क्या होता, तो मैं कहता ये मेरे बस का नहीं है, छोड़ो मैं नहीं कर सकता। तो मैंने देख करके क्या बोला, आसान है, आसान है। मेरे को सिर्फ सीखना है, फिगर आउट करना है कि आसान कैसे है, क्रैक करना है, तो आई हैव टू क्रैक इट। तो मैंने हाथ पैर मारा, कहीं पे मेरे को इन्फॉर्मेशन सही मिली, कहीं नहीं मिली, फिर मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, थोड़ा सा स्टडी किया, तो धीरे धीरे वो आसान होता चला गया। और देखो आज मैंने आसानी से ही करा, आई थिंक कोई बहुत मुश्किल से तो नहीं करा ना इस एक्ट को परफॉर्म, लगा कि कोई बहुत मुश्किल से कर रहा हूँ। वो शिव भाई साहब ने तो मेरी पूरी धज्जियाँ उड़ाने का ठेका ले लिया था कि मुझे जलील किया जाए यहाँ पर आकर के, और मेरे करियर को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। तो सारा जो खेल है वो माइंडसेट का है भाई साहब। अगर किसी का माइंडसेट है ना कि मैं नहीं कर सकता, किसी का बाप भी उससे नहीं करवा सकता। तो अगर आप सबका माइंडसेट यही बन जाता है जो मेरा माइंडसेट है लाइफ में, कुछ भी करना आसान है। थैंक यू सो मच।